नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सर राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज मैं आपके सामने नाउन केस सीरीज का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि नाउन केस होते क्या हैं और नाउन केस की डेफिनेशन क्या है, और उसके बारे में हमने डिटेल से समझा था। और आज हम इसके जो पहला जो प्रकार है नॉमिनेटिव केस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे नाउन केस के बारे में। अब देखिए, हिंदी में जैसा कि मैंने आपको बताया था, केस को हिंदी में कारक कहा जाता है, यानी कि सब जो नाउन किसी भी वाक्य में जो कार्य करती है वो कारक होता है, और वो कार्य किस रूप में कर रही है उसकी उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम केस या कारक कहते हैं। तो अब आपके सामने मैंने अभी दो सेंटेंस लगाए हैं, आपको इनको थोड़ा एग्जामिन करना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, जॉन थ्रू ए स्टोन, कि जॉन ने एक पत्थर फेंका। और दूसरा हमारा सेंटेंस है, द हॉर्स किक्ड द बॉय, कि घोड़े ने लड़के को लात मारी। अब देखिए, इसमें जो जॉन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और थ्रू ए स्टोन एक प्रेडिकेट है। तो इसके बारे में देखिए थोड़ा और अध्ययन करते हैं हम आगे, कि इन सेंटेंस नंबर वन, जॉन थ्रू ए स्टोन, द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट, इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू ए स्टोन। तो पहला जो हमारा वाक्य है, जॉन थ्रू ए स्टोन, इसमें ये जो जॉन जो है हमारा ये सब्जेक्ट है और थ्रू ए स्टोन जो है वो एक प्रेडिकेट है। और जो जॉन, अब मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि हु थ्रू ए स्टोन, कि पत्थर किसने फेंका, तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है जॉन, यानी कि पत्थर किसने फेंका था, जॉन ने फेंका था। तो जब कोई भी सेंटेंस में हु का अगर आंसर आए तो जो भी हमारे हु का आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने बोलता हूं, जैसे राम इज गोइंग टू द मार्केट, कि राम मार्केट जा रहा है। तो अब मैं इसमें क्वेश्चन में हु जोड़ दूं, इस सेंटेंस में अगर मैं हु जोड़ के क्वेश्चन करूं कि मार्केट कौन जा रहा है या हु इज गोइंग टू द मार्केट, तो उसका आंसर राम आएगा। तो अब जैसे इसी सेंटेंस में जॉन थ्रू ए स्टोन में मैं पूछूं कि भाई हु थ्रू ए स्टोन, कि किसने पत्थर फेंका, तो इसका जो आंसर है वो निकल के आया है जॉन, और जॉन ही हमारा सब्जेक्ट है। आगे देखिए, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू ए स्टोन इज ए प्रेडिकेट, और जॉन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और थ्रू ए स्टोन है वो एक प्रेडिकेट है। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू, और जो प्रेडिकेट है, देखिए प्रेडिकेट जब ही कंप्लीट होता है जब उसमें वर्ब होती है। तो जो सेंटेंस हमारा था जॉन थ्रू ए स्टोन, तो जॉन तो हमारा हो गया सब्जेक्ट और थ्रू ए स्टोन हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब इसी प्रेडिकेट के अंदर एक हमारी वर्ब भी शामिल है, उस वर्ब का नाम है थ्रू, थ्रू यानी फेंका। What did John throw? अब John ने क्या फेंका? A stone, एक पत्थर फेंका। तो stone is the object which John threw. तो इस वक्त सेंटेंस में John तो जो है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, थ्रू वर्ब हो गई, और a stone जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, विथ जॉन थ्रू, द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, इसलिए नाउन जो स्टोन है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसकी एक डिटेल सीरीज हमने बनाई थी और वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारी वो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए, इन सेंटेंस नंबर टू, देखिए सेकेंड सेंटेंस में क्या हुआ था, कि इन सेंटेंस नंबर टू, हॉर्स किक्ड द बॉय, द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट। अब देखिए, इस सेंटेंस में द हॉर्स किक्ड द बॉय, इसमें जो हॉर्स तो क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया, किक्ड जो है वो हमारी वर्ब हो गई, और द बॉय जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट, इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु किक्ड द बॉय, और ये जो सब्जेक्ट जो हॉर्स है वो हमारा किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि हु किक्ड द बॉय, कि लड़के को लात किसने मारी, तो लड़के को लात किसने मारी थी, घोड़े ने मारी थी। तो जो द हॉर्स है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए,
द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट, और जो नाउन बॉय जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हुम डिड द किक हॉर्स किक, और ये हमको इस क्वेश्चन का उत्तर देता है कि घोड़े ने किसको लात मारी। अब यहां पे जब किसको आ गया तो जिस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए वापस एक बार इसको देख लीजिए, द हॉर्स किक द बॉय, इसमें जब द हॉर्स जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है, किक्ड जो है वो हमारी वर्ब है, और द बॉय वो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जो हीरो होता है, जो करने वाला होता है, वो हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है, और कर्ता की क्रिया से जिसके ऊपर फर्क पड़ा है यानी कि लात जिसको पड़ी वो कौन था, द बॉय, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि कर्ता की क्रिया से जो प्रभावित हो, यानी कि सब्जेक्ट की एक्शन या वर्ब से जो प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आगे देखिए, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। तो यहां पे देखिए हमारी नॉमिनेटिव केस की डेफिनेशन निकल के सामने आ गई है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, उस स्थिति में जो हमारा जो नाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस में होगा। फिर से समझ लीजिए इसको कि जब कोई नाउन जो है वो एक किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उस कंडीशन में वो जो हमारा नाउन जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है या सब्जेक्टिव केस में होता है। तो नॉमिनेटिव केस की परिभाषा फिर से देख लीजिए, ए नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कि कोई भी नाउन नॉमिनेटिव केस में कब कहलाएगी, जब वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होगी। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, यानी कि जब भी किसी नाउन का सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है उस वक्त वो कौन से केस में होती है, नॉमिनेटिव केस में होती है, यानी हिंदी में इसे कर्ता कारक कहा जाता है। आगे देखिए, सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग हु और विच कैरीज आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। अब वापस एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वो व्यक्ति होता है जो हमारी क्रिया को करता है, यानी कि क्रिया को करने वाला कर्ता यानी कि सब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब की एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो पर्सन होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए हमारे आपके सामने कि मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कि मिस्टर राम जो है वो एक इंटेलिजेंट बॉय है। अब यहां पे देखिए इंटेलिजेंट कौन, बात किसकी हो रही है, मिस्टर राम की, तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट हो गया मिस्टर राम हो गया, और इज एन इंटेलिजेंट बॉय है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट तो है मिस्टर राम और इज एन इंटेलिजेंट बॉय है हमारा प्रेडिकेट। आगे देखिए, मिस्टर राम इज ए प्रॉपर नाउन इन नॉमिनेटिव केस। अब देखिए मिस्टर राम जो है वो नाउन है, नाउन कौन सा नाउन है, वो हमारा प्रॉपर नाउन है, यानी कि देखिए नाउन, अगर आपने नाउन की हमारी सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके नाउन की सीरीज देखिए, उसमें एक एक नाउन को काफ़ी डिटेल से समझाया गया है, यानी कि जो नाउन किसी का नाम के लिए यूज होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर राम जो है वो प्रॉपर नाउन के रूप में यूज हुआ है, और एक इसलिए वो कौन से केस में है, वो नॉमिनेटिव केस में, यानी कि मिस्टर राम जो है वो प्रॉपर नाउन है और नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन जरूरी नहीं है कि नॉमिनेटिव केस में प्रॉपर नाउन ही यूज हो, और कोई नाउन भी होते हैं जैसे कॉमन वगैरह तो वो भी यूज होते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट, कि पेंटर जो है वो पोर्ट्रेट को पेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए जो द पेंटर है ये कॉमन नाउन है लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो द पेंटर इज ए कॉमन नाउन एंड इज इन नॉमिनेटिव केस, और वो एक किस कौन से केस के रूप में यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज हुआ है। अब आपको अगर मान लीजिए ये पता करना है कि नॉमिनेटिव केस में कौन है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सेंटेंस में हु और व्हाट लगा के देख लीजिए, तो आपको उसका जो आंसर जो मिलेगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे पिछले सेंटेंस में हम लगा लीजिए, जैसे पिछला हमारा सेंटेंस था कि द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट,
तो पोर्ट्रेट कौन पेंट करता है? पेंटर करता है। तो जो द पेंटर है वो हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। तो अगर आपको यह पता करना हो कि नॉमिनेटिव क्या है, तो नॉमिनेटिव केस में आपको क्या करना है, सेंटेंस में वाट और हु लगा के देखना है वर्ब से पहले। तो कौन पेंट करता है, हु पेंट, तो पेंटर आ गया, तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। टू फाइंड द अक्यूजेटिव पुट होम। लेकिन अगर आपको किसी का अक्यूजेटिव केस पता करना है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपको होम लगाना पड़ेगा और वाट लगाना पड़ेगा बिफोर द सब्जेक्ट एंड इट्स, बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। अब देखिए एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आई एम बाइंग वेजिटेबल फॉर माई फैमिली, मैं मेरे परिवार के लिए सब्जियां खरीद रहा हूं। अब इसमें देखिए नाउन तो है ही नहीं, तो इसमें तो सब्जेक्ट तो फिर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आई जो है इसमें सब्जेक्ट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नाउन ही सब्जेक्ट के रूप में काम करे, प्रोनाउन भी जो भी है वो भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है और वो भी सब्जेक्टिव केस में आ सकता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि केस हालांकि नाउन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम प्रोनाउन को भी इंक्लूड करते हैं। तो आई एम बाइंग वेजिटेबल फॉर माई फैमिली, इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, और एम बाइंग वेजिटेबल फॉर माई फैमिली, ये हो गया प्रेडिकेट। तो इसमें आई इज ए प्रोनाउन, और वो जो है वो हमारा कौन से केस में है, वो हमारा